आज मैंने आपको बनाना सिखाया मंडला आर्ट डिजाइन, ये जो मेरा 5 लेयर के अंदर है, कटिंग से लेके पेस्टिंग तक सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। जो सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, और जो इसका डिजाइन लेना चाहते हैं, मेरे पास इसमें 4 से 5 डिजाइन है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके ले सकते हैं। नंबर मेरा नीचे दिया गया है, एक बार मैं आपको इसको नजदीक से दिखा देता हूँ। इसी तरह से इससे अलग अलग प्रोडक्ट मेरे पास 2500+ प्रोडक्ट है, जो मैं आपको अपने इस चैनल पे धीरे धीरे दिखाता रहूंगा, और प्रोडक्ट सारे वही होंगे जो कि आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैं कुछ यूनिक करता हूं और यूनिक करने की ही कोशिश करता हूं, तो आप लोगों तक यूनिक चीज ही लेके आऊंगा। ये पीस हमारा वॉल हैंगिंग के अंदर है और ये देखने में बिल्कुल 3D लगता है। मैं एक बार आपको इसको दिखाता हूँ, 5 लेयर में है, आप एक बार देख सकते हैं, 3D लुक आएगी बिल्कुल वॉल पर। इसी तरह से वीडियो को देखकर आप भी बना सकते हैं। ये मैंने डिजाइन किया हुआ है मंडाला आर्ट के लिए, इस तरह से इसमें 5 पीस कटिंग होंगे जो कि 3D लुक में एक के ऊपर एक लगेंगे। अब ये इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं इस तरह से। अब चलते हैं इसको मशीन के अंदर लेकर के, ये आ गया हमारा मशीन का सॉफ्टवेयर, और इसको मैं करता हूँ ओके। तो ये आ गई हमारी फाइल मशीन के अंदर, अब हम इसको कटिंग करते हैं। हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट। मंडाला आर्ट के लिए हमें जो कटिंग करनी है, एक पीस ये होगा, उसके बाद एक ये होगा, ये और ये, और ये नीचे बॉटम। ये मैंने 5 पीस में रेडी किया है, आप इसको 8 पीस या 11 पीस में भी रेडी कर सकते हैं। मेरे पास 8 पीस 11 पीस वाले डिजाइन भी है, बट मैंने 5 पीस में किया, जो कि आप लोग इसको देख कर सीख सकें। अब इसको रेडी करते हैं, उससे पहले सबसे पहले हमारा ये वाला पीस पेस्ट होगा इस तरह से। मैंने ये स्प्रे पेंट से एक स्पॉट बनाया है, जिससे कि हमारी जो गणपति जी की कटिंग है वो थोड़ी अच्छे से विजिबल हो सके। किसी भी कलर में आप बना सकते हैं, मैंने इसको पूरा कलर करके नहीं दिखाया, आप अलग अलग कलर में इनको सबको पेंट करें, सबको अलग अलग कलर में करें, तो ये बहुत अच्छी लुक देगा। चलिए पेस्ट करते हैं। तो ये लगा लिया मैंने फेविकॉल, अब हम इसको करते हैं पेस्ट। इस तरह से आपका ये पीस पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमने कर दी पेस्टिंग इसकी, आप देख सकते हैं बिल्कुल एज टू एज पेस्टिंग हुई है। अगर जो आपका डिजाइन अच्छा है, अच्छे से आपने डिजाइन किया है, तो आपका पीस बिल्कुल एज टू एज ही लगेगा। अब इसके बाद हमारा अगला पीस ये वाला पेस्ट होगा इसके ऊपर, सेम वही प्रोसेस। मैं एक बार फेविकॉल लगाता हूँ, फिर आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये हमने लगा लिया फेविकॉल, अब इसी तरह से हम इस पीस को पेस्ट करते हैं। फेविकॉल की पेस्टिंग मैं इसलिए करता हूँ, इससे एक तो हमारा पीस साफ रहता है, दूसरा हमारा पीस कभी थोड़ा बहुत गलत भी पेस्ट रहता है उसको हम ठीक कर सकते हैं उसको इधर उधर करके। ये थोड़ा देर में सूखता है लेकिन काम अच्छा करता है। ये देखिए हमारी 3 लेयर हो गई कंप्लीट। अब सेम प्रोसेस 4th लेयर इसके ऊपर। तो ये लग गया फेविकॉल, अब इसको भी हम अपनी 4th लेयर को इसी तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये भी हो गई हमारी पेस्ट, 1, 2, 3, 4 4 लेयर हमारी हो गई कंप्लीट। अब हमारी लास्ट लेयर है 5। आप इसको 8 लेयर 7 लेयर 11 लेयर कितनी भी लेयर बना सकते हैं, बस आपका पीस ऊपर 3D लुक और अच्छा आता करता जाएगा। जितना चाहें उतनी लेयर आप इसमें लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ 5 लेयर में बनाया और 5 लेयर में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब इसको पेस्ट करते हैं। तो ये भी होगी हमारी पेस्टिंग कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं प्रॉपर 3D लुक है इसकी। देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल है कैसे करेंगे, लेकिन जब आप सोच लोगे ना आपको करना है तो आप कर सकते हो। ये डिज़ाइन भी मैंने खुद किया है और कटिंग भी करके आपको पेस्टिंग करके भी दिखाई है, बिल्कुल एग्जैक्ट पेस्टिंग हुई है। जब तक आप सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, रिस्क लेना पड़ता है। मैंने भी किया, मेरे अंदर ये आदत है कि मैं जो चीज़ सोचता हूँ मुझे करनी है तो मैं उसको करता हूँ, चाहे वो नुकसान में हो या फायदे में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई आइटम के साथ। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।